आज हम आ गए हैं स्टूडियो स्पेशली मेरे कॉलेज वाले भाइयों के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं वो वाली आउटफिट्स जो कि कॉलेज में आपकी फ्रेंड्स को पसंद है। तो अब हम जाएंगे कॉलेज, वहाँ पे पूछेंगे कि उनको कौन सी आउटफिट पसंद है और यहाँ पे रिक्रिएट करेंगे। चलो What I look up to is I like people who wear oversized clothes. Maybe it's trouser and an oversized white shirt. अब बहन ने बोला है कि नीचे मेरे को पहननी है trousers, तो trousers तो studio में बहुत सारी मिल जाती है, especially dark colors वाली तो बहुत अच्छी वाली मिलती है। लेकिन ऊपर के लिए oversized t-shirt studio में नहीं मिली मेरे को स्टोर पे, और मैंने कभी देखी भी नहीं oversized t-shirt कोई किसी studio स्टोर पे। तो मैं कोई रेगुलर फिट वाली ग्राफिक टी शर्ट लूंगा। अब यहाँ पे बहुत गंदे पुंदे चीप डिजाइन वाली टी शर्ट मिल तो रही हैं, लेकिन मेरे को चूज करनी पड़ेगी ऐसी जिसमें मिनिमल डिजाइन हो ताकि उसकी चीपनेस पता ना चले। मस्त प्लान है। तो दीदी की बताई हुई आउटफिट तो बढ़िया बनी है। अब मैंने व्हाइट टी शर्ट चूज करी है क्योंकि नीचे ट्राउजर्स थी, तो थोड़ा सा मेरे को क्लासी वाला स्ट्रीट स्टाइल की वाइब मेंटेन करनी थी। और जब नीचे मैं ट्राउजर्स पहनता हूँ तो मैं ऊपर स्लीव्स को जरूर फोल्ड कर लेता हूँ ताकि वो एक कोरियन टाइप वाइब आ जाए। टी शर्ट की क्वालिटी 200 रुपए के हिसाब से तो ठीक ही है, बाकी लार्ज साइज वाली मैंने पहनी हुई है। लेकिन ट्राउजर्स की क्वालिटी 800 रुपए के हिसाब से तो सही नहीं है, इससे बेटर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। शर्ट में ज्यादा अच्छे लगते हैं तो वाइट, ग्रे, ऑल ब्लैक भी। तो ये वाली दीदी को तो भाई ऑल ब्लैक पसंद है, तो हम ऑल ब्लैक ही बनाएंगे। पहले ढूंढ लेते हैं एक बढ़िया सी शर्ट। अब मैं एक बेसिक शर्ट नहीं ढूंढना चाहता, एक बेसिक टी शर्ट भी नहीं ढूंढना चाहता, तो कोई बढ़िया मटेरियल वाली ढूंढता हूँ। और स्टूडियो का यही फायदा है कि अलग अलग फैब्रिक्स की आपको बेसिक कलर्स में तो बहुत चीजें मिल जाएंगी। अब ढूंढ लेते हैं एक ऐसी ब्लैक कलर की पैंट्स जो कि डेली लाइफ में कॉलेज में पहन पाओ और ज्यादा अनकंफर्टेबल ना हो, जैसे कि ट्रैक पैंट्स या जॉगर्स ढूंढ लेते हैं। तो ये बनी ऑल ब्लैक आउटफिट। भाई शर्ट की फिटिंग बहुत अच्छी है, शर्ट का फैब्रिक बहुत ज्यादा अमीरो वाला फैब्रिक लग रहा है। अगर आपने ये शर्ट पहनी कहीं भी तो ये पक्का से जारा वाली शर्ट लगेगी, ऐसा लगेगा 3-4 हज़ार की शर्ट है। लेकिन ट्रैक पैंट्स की क्वालिटी मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगी। एक तो बॉडी के ऊपर गिर बहुत अजीब से रही है, बिल्कुल गंदी लग रही है, और ऊपर से इसका ब्लैक कलर भी बहुत जल्दी फेड हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। You can wear a plain solid color या फिर anime t-shirt जो आजकल चल रहा है, with a oversized या फिर fitted दोनों अच्छा लगता है, and cargo pants या फिर baggy pants। अब ये दीदी ने बोला है कि नीचे baggy pants पहननी है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे baggy pants नहीं मिलती है, baggy chinos नहीं मिलती है, यहाँ पे मुश्किल से बैगी जीन्स मिल सकती है आपको, जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो पहले तो हम ढूंढ लेते हैं कि हमारे साइज में है या नहीं है। चलो भाई फिर 36 साइज से ही मुझे काम चलाना पड़ेगा, मेरा वैसे तो 32 है। चल झूठा। उसके अलावा यहाँ पे एनिमे प्रिंट वाला तो कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको स्टूडियो में, तो मेरे को जाना पड़ेगा एक बेसिक प्लेन टी शर्ट के साथ जो कि सुंदर भी लगे और उसमें फालतू का डिजाइन भी ना हो, लेकिन वो प्लेन ना लगे, तो मैं कोई इंटरेस्टिंग सा कलर उठा लेता हूँ। और ये बनी हमारी बहुत प्यारी सी आउटफिट जिसमें कलर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं आपस में, ब्लू और ग्रीन। टी शर्ट लार्ज साइज की और उसकी फिटिंग बढ़िया आई है मेरी बॉडी के ऊपर। पैंट्स भी ठीक ही लग रही है, बॉडी पे एकदम बैगी लग रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये तो 36 साइज है, तो अगर मैं अपना असली साइज लेता तो ये पैंट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मेरे पे और बिल्कुल बैगी नहीं लगती, जिसका मतलब ये है कि ये वाली जींस भी लेने लायक नहीं है स्टूडियो में। लेकिन हाँ, टी शर्ट जितने प्राइस की है उस हिसाब से बहुत ही शानदार है। अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी वेरी कम्फर्टेबल। यार ये कितनी ऑसम है यार। ब्राउन वर्क्स, व्हाइट वर्क्स, ग्रीन, लाइक अ सबटल ग्रीन कलर, ब्लू गोज वेल ऑन एवरीवन। सो या ज्यादा नहीं हो गया ये। अब भाई दीदी ने बोला है कि मोनोटोनस होना चाहिए और ब्लू में सारे लड़के अच्छे लगते हैं, तो अब हम ब्लू की एक मोनोटोनस आउटफिट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शॉर्ट्स ढूंढूंगा क्योंकि दीदी ने बोला है कि भाई कंफर्टेबल भी रहना चाहिए और मैं तो शॉर्ट्स में बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ। और अब इनके साथ मैच करने के लिए एक बढ़िया सी ब्लू शर्ट ढूंढ लेते हैं। टी शर्ट ये वाली ले सकता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं शर्ट ही पहनना चाहता हूँ, थोड़ी सी कूल वाइब। तो फाइनली आउटफिट बनी ये वाली जिसमें मैंने एक रिजॉर्ट शर्ट पहनी हुई है। मैंने सोचा थोड़ी सी फंकी टाइप आउटफिट बना के देख लेते हैं। दोनों के ब्लूज बहुत अच्छे मैच कर रहे हैं, एंड शर्ट के बारे में मैं अगेन यही बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल ज़ारा के टक्कर की शर्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है मेरे को। धोने के बाद कैसे होगी अभी नहीं कह सकता, लेकिन अभी मटेरियल बहुत प्यारा लग रहा है और इस शर्ट का डिजाइन तो बहुत ही शानदार है। साथ में शॉर्ट्स भी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, इवन तो ये मेरे लिए एक साइज बड़ा है वो जाके इतना अच्छा आ रहा है, तो अगर आप ये वाली शॉर्ट्स लेने वाले हो तो एक साइज बड़ा ही लेना। शर्ट पक्का वर्थ इट है, बट शॉर्ट्स शायद आप 700 रुपए ना देना चाहो। कार्गो टी-शर्ट्स बहुत चल रही है, तो बेज एंड लाइट ब्राउन एंड ऑल। अब सृष्टि बहन ने बोला है कि भाई हमें कूल कपड़े पहनने हैं और बेज और ब्राउन उनको फेवरेट कलर्स लगते हैं, तो सबसे कूल चीज तो आजकल कार्गो पैंट्स ही है, और उससे भी ज्यादा कूल है कार्गो शॉर्ट्स। तो सबसे पहले मैं कार्गो शॉर्ट्स उठाऊंगा, ब्राउन बेज की शेड में ढूंढ लेता हूँ, और अब इसके साथ मैच करने के लिए सेम कलर फैमिली की मेरे को टी शर्ट ढूंढनी पड़ेगी। बट एकदम प्लेन टी शर्ट नहीं पहनूंगा, वो थोड़ा सा झल्ला सा लगता है, थोड़े अच्छे फैब्रिक वाली टी शर्ट पहनूंगा, लेकिन हाँ सॉलिड कलर ही होगा। तो भाई ये आउटफिट तो मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। इस बार मैंने टी शर्ट एक साइज छोटी ली है, मीडियम साइज की ली है, ताकि थोड़ी सी स्लिम फिट आ जाए। बहुत बढ़िया फिटिंग आई है बॉडी के ऊपर, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, ये तो मैं खुद के लिए ही ले लूंगा। प्लस इसका फैब्रिक इतना बढ़िया है कि महंगी वाली ही लग रही है ये। साथ में नीचे शॉर्ट्स की भी फिटिंग अच्छी आई है, बट मेरे को कलर की शेड उतनी अच्छी नहीं लगी इन शॉर्ट्स की, तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट्स लेनी वर्थ इट होंगी। लेकिन हाँ, अगर आपको ये कलर पसंद है तो इसकी पॉकेट्स भी सही लग रही है और इसकी शेप भी बहुत बढ़िया है। In college, I would say like a white t-shirt and along with it
बेज पैंट्स एंड मिनिमल ज्वेलरी. तो इन दीदी को चाहिए एक ओल्ड मनी आउटफिट. तो चलो चलते हैं. सबसे पहले तो चीनोस ढूंढ लेता हूँ. यहाँ पे रिलैक्स या स्ट्रेट फिट वाली चीनोस तो नहीं मिलने वाली जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए ओल्ड मनी में. तो मुझे स्लिम फिट ही लेनी पड़ेगी. ओल्ड मनी से ज्यादा कॉर्पोरेट लुक ही बनेगी. और साथ में यहाँ पे पोलोस बहुत अलग अलग कलर्स में मिल जाती है और वो भी बहुत सस्ते में. तो इसको साथ पहन के देखते हैं. अब भाई ये है आउटफिट, पोलो और चीनोस, वो भी ओल्ड मनी टाइप के कलर्स में. अच्छी तो लगनी ही थी लेकिन ये मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही मैच्योर है कॉलेज के लिए. बाकी चीनोस की फिटिंग ठीक आई है और पोलो टी शर्ट की फिटिंग भी ठीक आई है. लेकिन पोलो टी शर्ट में रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि क्वालिटी बिल्कुल बेकार है. मतलब इतना पतला मटेरियल है कि बहुत जल्दी खराब भी हो जाएगा और आपकी शेप भी उतनी अच्छी नहीं लगेगी. चीनोज इस कलर वाली फिर भी ठीक लग रही है तो आप लेना चाहो तो चीनोज ले सकते हो. लेकिन ऑनेस्टली ऑनलाइन बहुत बेटर प्राइस मिल जाता है. व्हाइट अपर लेनिन शर्ट. ओके, व्हाट अबाउट द बॉटम पार्ट? बेगी जींस ब्लू. अब भाई इन्होंने तो बोला है कि लिनन वाली शर्ट लेके आओ. मुझे जूडियो में लिनन वाली शर्ट कहीं नहीं मिली. मैंने बहुत ढूंढा लेकिन इनके फॉर्मल वाले सेक्शन में एक व्हाइट शर्ट है जो कि इतनी ज्यादा शानदार है, मतलब शायद जारा को भी पीछे छोड़ दे. और साथ में बैगी जींस मैंने इस तरीके की ढूंढने की बहुत कोशिश करी जो इससे अच्छी लगे. लेकिन मेरे को मेन सेक्शन में कुछ नहीं मिला तो मेरे को फीमेल सेक्शन में जाना पड़ा और लड़कियों के कपड़े में से मेरे को एक बैगी जींस उठानी पड़ी. बट जो भी कहो मेरे को तो साथ में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि इस टाइप का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा. तो दीदी ने मेरा फैशन सेंस बढ़ा दिया. दीदी वाह दीदी. शर्ट की फिटिंग बहुत अच्छी आई है. ऊपर से मैंने बटन खोले हुए हैं ताकि थोड़ी सी कूल टाइप वाइब आ जाए. लेकिन शर्ट की असली चीज है इसका मटेरियल. बहुत ही शानदार मटेरियल है. ये ऐसी शर्ट है जो कि आपको खरीदनी चाहिए. अभी उठो वीडियो देखने के बाद और जूडियो से शर्ट खरीद के ले आओ. बाकी बैगी जींस क्योंकि फीमेल सेक्शन की 34 साइज की जींस है तो मेरी 32 की वेस्ट पे बहुत अजीब तरीके से आ रही है. बहुत मुश्किल है जूडियो पे अच्छी बैगी जींस मिलना यार. तो मेरे हिसाब से तो वो सपना छोड़ ही दो. So I want them to wear white oversized t-shirts and they should pair it with blue denims. अब बड़ी दीदी ने बोला है कि बैगी जीन्स और ओवरसाइज टी शर्ट. तो ओवरसाइज टी शर्ट तो जूडियो में मिलती नहीं है तो आप वही वाली ग्राफिक टी शर्ट ले सकते हो जो पहले दिखाई थी. और बैगी जीन्स तो मैंने आपको पहन के दिखाई दी है. अब इनमें से आपको कौन सी बेस्ट आउटफिट लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. और यही आपका गिव अवे क्वेश्चन. इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही हम गिव अवे करेंगे 2,000 रुपीज के ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर किसी एक लकी सब्सक्राइबर को. बस आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको आउटफिट कौन सी अच्छी लगी. एंड दैट्स इट. लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट.